आखिर कौन सा हादसा बन गया गदर का हिस्सा, इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों को गदर 2 में किस तरह दिखाया जाएगा, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की चर्चा होती है उस लिस्ट में गदर का नाम जरूर लिया जाता है। जी हाँ, गदर एक प्रेम कथा जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त शायद फिल्म के मेकर्स को भी नहीं पता होगा ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट साबित होने वाली है। इनफैक्ट आज के टाइम में भी लोग गदर मूवी को देखना पसंद करते हैं। 2001 में रिलीज हुई गदर पिक्चर को लोगों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से अनिल शर्मा एक बार फिर से गदर 2 पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जल्द ही गदर का सीक्वल रिलीज किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा गदर 2 में भी अमीषा पटेल और सनी देओल को रखना चाहते हैं, साथ ही अपने बेटे को भी लॉन्च करना चाहते हैं इस पिक्चर के जरिए। उनके बेटे का नाम उत्कर्ष शर्मा है। अनिल शर्मा गदर 2 पर तेजी से काम शुरू कर चुके हैं, हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है फिल्म के यूनिट के तरफ से गदर 2 को लेकर, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो जल्द ही पिक्चर की शूटिंग की भी शुरुआत हो सकती है। अनिल शर्मा अपने के सीक्वल यानी अपने 2 पर भी काम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी यही सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सिर्फ एक र्यूमर है, क्या वाकई में अनिल शर्मा गदर 2 और अपने 2 लेकर आने वाले हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तमाम खबरें बिल्कुल सच है, अफवाह नहीं है। अनिल शर्मा इन तमाम फिल्मों पर आने वाले दिनों में काम शुरू करने वाले हैं। 2007 में अपने को रिलीज किया गया था जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल नजर आए थे। इस पिक्चर को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से आने वाले दिनों में फिल्म का सीक्वल बनने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल शर्मा पहले अपने 2 की मेकिंग को पूरा करेंगे और उसके बाद गदर 2 पर अपना काम शुरू करेंगे। अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष शर्मा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पिक्चर जीनियस के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था, हालांकि इस पिक्चर में वो सपोर्टिव रोल में दिखे थे, लीड रोल में नहीं दिखे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि गदर 2 में वो सकीना के बेटे का किरदार निभा सकते हैं। गदर फिल्म 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी और इसी दिन आमिर खान की फिल्म लगान को भी रिलीज किया गया था। हालांकि दर्शकों ने दोनों ही पिक्चर को अपना भरपूर प्यार दिया, लेकिन गदर एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। गदर 2 की स्टोरी लाइन कुछ हद तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर बेस्ड हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीते कुछ सालों से लगातार ही पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। किस तरह मेकर्स इन तमाम स्टोरीज को बड़े पर्दे पर पेश करते हैं, ये हमारे लिए देखना काफी एक्साइटिंग होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें ताकि